तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, कल एक नोटिस बोलेंगे तो वायरल हो रहा था, ठीक है। मैंने उस पर कल वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, पता करना है कि भैया कहाँ से है नहीं, क्योंकि कुछ भी आज के ज़माने में कुछ भी वायरल हो जा रहा है, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी वायरल हो रहा है, ठीक है। इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से परख के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका काम ही यही है, ठीक है। जांच अन्वेषण आपका काम ही है। तो क्या है इस वायरल नोटिस की सच्चाई, ये समझिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 20 अक्टूबर से पेपर होने की चांसेस हैं, ठीक है। अभी भी ये चांसेस खत्म नहीं हुए हैं, जब तक आज और कल का समय खत्म नहीं हो जाता ये डेडलाइन, यदि इस बीच में कोई नोटिस नहीं आता है तो फिर हम लोग कुछ समझेंगे कि भाई साहब ये एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, ठीक है। ये मत सोचना 1.5 2 महीने 2.5 महीने बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा होगा तो 10 दिन 15 दिन टलेगा, इससे ज़्यादा नहीं टलने वाला, ठीक है। दीपावली के बाद 110% ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भैया सरकार की बहुत फजीहत हो रही है, अब देख रहे हैं मतलब तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार चाहेगी कि कहीं ना कहीं तो एज लेना चाहेगी वो, क्योंकि चुनाव उसे लड़ना है, और किस बेस पे वो लड़ेगा, ठीक है, वो खैर अलग पाते हैं। और जैसे मैंने बताया भाई, जो सेंटर्स पे, ठीक है, सेंटर बुक हुए थे, वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीज़ें हो गई, तो सेंटर से ये है कि एक डेट मांगी जा रही है, नहीं उनसे पूछा जा रहा है कि आपके स्लॉट कब कब खाली, क्योंकि MTS का भी पेपर लगा है फिर, और उधर आगे क्या बोलते हैं SSC GD का भी पेपर लगेगा, प्लस बीच में इधर PCS का भी है, लोअर PCS का भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा शायद स्पेस मांग रहे होंगे, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि भाई 12.5 लाख 12 लाख का स्टूडेंट का इन्हें एग्ज़ाम दिलवाना है, ठीक है। चलो इस नोटिस की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने योग्य हैं, थोड़े समझदार बुद्धि वाले हैं, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया होगा कि ये क्या है, एक फेक नोटिस है, क्या है, ये फेक नोटिस है, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है पकड़ना। पर जो व्यक्ति जिस जो देखो ये वीडियो, ये जो क्लिप है, वायरल कैसे हो जाती है, ये वायरल हम ही लोग करते हैं, ठीक है। कोई यूट्यूबर कर देगा, उस पर वीडियो बना देगा, और लड़कों में क्या हो जाती है, मतलब लड़के तुरंत परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या होगा सर क्या होगा, तो वीडियो उधर बनती है, कहीं भी बनेगी, फिर आकर के बच्चा पूछेगा सर मतलब ये बताइए ये हो गया, और अब तो एग्ज़ाम 1 2 महीने बाद होगा, है नहीं। तो मैं भी आपसे कहूँगा अपने स्तर पे आप चीज़ों को जांच लें। पहली बात तो ये कहाँ की न्यूज़ कटिंग है कुछ बताया नहीं गया है, एक्चुअली जो भी कितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनको कुछ ना कुछ उसका फ्रेम होता ही होता है, ठीक है, पता चल जाता है यहाँ का है, ठीक है। अब इन्होंने बोला राज ब्यूरो निकलो, तो राज ब्यूरो निकलो भैया, ये पता नहीं कौन सा है राज ब्यूरो, पता नहीं क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ बोल रहे 12.5 लाख, इनके पास एग्जैक्ट डेटा कहाँ से आया, क्योंकि 12 लाख तो DJ साहब ने बताया, प्लस उन्होंने सबसे बड़ी बात, यदि ये 12.5 लाख बोल रहे हैं तो ये जो बोल रहे हैं ना इनसे कि 10,000 में ये करवाएंगे, तो ये भैया 12.5 लाख 10,000 इनसे मैच नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि भाई ये 25 दिन पेपर करवा रहे हैं, हर दिन क्या होगा, यानी एक शिफ्ट में बोलना है कि ये 10,000 बच्चा बैठा लेंगे, पहली बात तो इनको पता ही नहीं है, ये कहाँ से पता चल गया कि एक शिफ्ट में 10,000 बच्चा बैठा लेंगे, ये तो बहुत फाइनल स्टेज की बात है, ठीक है, ये अभी पता ही नहीं चलता है। मैं आपको बताऊँ, रेलवेज का पेपर हुआ, बहुत सारे पेपर हुए, किसी भी शिफ्ट में आपको ये नहीं पता, बस इफिशेंसी पता चलती है, 50% एक्यूपेंसी, कितने बच्चे आए कितने आए, ये एग्जैक्टली डाटा किसी को नहीं पता होता है कि एक शिफ्ट में कितना बच्चा बैठा है। ये महानुभाव पता नहीं कौन है कि इनको एक मतलब DG साहब ने बता दिया भाई 10,000 बच्चा बैठेगा, ये पॉसिबल नहीं होता। यदि मैं मान भी लूँ तो 10,000 के हिसाब से कितना होगा, 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख, और 2.5 लाख के डबल करेंगे, 2 शिफ्ट में हो रहा ना, तो 5 लाख हुए भाई साहब, 7.5 लाख कहाँ चले गए, बस यहीं से फेक हो गई ये न्यूज़, क्या हो गई, पूरी तरह से फेक हो गए। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े चैनल इस क्लिप पे अपना व्यू दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल इस क्लिप पे अपना व्यू, भाई साहब इतनी बड़ी टीम है आपके पास, एक बार उसको वेरीफाई करवा लो ना कहीं से भी यार, कहीं से भी वेरीफाई करवा लो। अब मतलब एक मैथ्स के टीचर को भी एक क्लिप तुम दे देते या फिर, तो वो तुरंत बता दे भाई साहब ये फेक है, ठीक है, उस पर वाद विवाद करने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। पर ये जाहिर सी बात है यार, सबको सब्सक्राइबर चाहिए, सबको व्यूवर्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो वीडियो तो बनाएंगे बनाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज मानवता रही नहीं है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से विचलन हो रहा है तो उसको वो चीज़ व्यक्ति वो जरूर करेगा, क्योंकि उसको जलाना, उसको परेशान करना है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये परेशानी है, ठीक है, मानते हैं चैनल्स आपको न्यूज़ देते हैं, पर ये भी तो है ना कि मतलब वो आपको परेशान भी बहुत करते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ यूट्यूब से थोड़ा दूर रहें, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहें, दूरी यदि बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अभी कोर्ट केस का भी मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट यानी केस गया, ये ओवरेज वाला मैटर,
ठीक है, वहाँ पर जवाब दही आज ही के न्यूज़पेपर की सुबह की कटिंग है, यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अमर उजाला में शायद आया था, ठीक है। तो सुबह की ही कटिंग में था कि भैया हाई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भैया आप इनको छूट क्यों नहीं दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, एक बढ़िया सा जब तक वो नहीं दे सके, यानी एक बढ़िया सा तर्क नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके आगे कार्रवाई कुछ होगी नहीं, तो थोड़ा सा फंसेगा कार्यक्रम, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि 17 तारीख तक शायद कोर्ट बंद भी रहेंगे, तो देखते हैं शायद इस बीच में यदि कल तक यदि नोटिस आ जाता तो आ जाता, नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम जाएगा थोड़ा, ठीक है। 28 अक्टूबर के बाद ही जाएगा, या वो दीपावली के बाद भी हो सकता है, पर हाँ ये तय है कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक। 29 नवंबर तक नहीं जाएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार तैयारी करते रहो। वैसे भी पता है जिस दिन डेट आई थी उस दिन से ही बच्चे की धड़कनें बहुत मतलब बढ़ने लगी थी, है नहीं, जिसकी बहुत धुआंधार तैयारी वो भी घबरा रहा था, तो सब घबराते हैं। तो इसलिए अब वो समय है, आपको एक बार फिर से ऊपर वाले ने मौका दिया है कि आप उस घबराहट को ख़त्म करके अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन लेवल पर ले जाइए, जिससे आप सलेक्शन ले पाए। भाई सलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और सलेक्शन लेने का आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये फालतू चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए तो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच।